कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एक्सवाइजेड फैक्ट्स और नॉलेज में। तो आपका भाई यानी रसमन इस वीडियो में 10 दिमाग हिला देने वाले फैक्ट लाया, जिसको सुनने के बाद आप भी यही बोलोगे। अरे चुप रे हरकत, क्या आपको पता है एक ऐसा एनिमल जिसका हर रोज 2 से 4 नहीं बल्कि 90 kg तक वेट इंक्रीज हो जाता है। क्या आपको पता है मोस्ट सक्सेसफुल पायलट यानी समुद्री डाकू कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और थी। क्या आपको पता है एक ऐसा बंदा जिसने ब्लड डोनेट करके 100, 200 या 1000 लोगों की जान नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान बचाई है। फैक्ट नंबर 1, कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन हर रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 kg भारी हो जाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 lakh kg तक हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, जब भी सी पायरेट यानी समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग सी थी और वह चिंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। फैक्ट नंबर 3, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता और फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने वाले IKEA स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाले बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती है। फैक्ट नंबर 4, पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों की का सेम पासवर्ड होता है जो कि है 1 2 3 4 5 6। रिसर्च के मुताबिक जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 के बाद दूसरे नंबर पर आते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा टॉप 5 पासवर्ड में QWRTY पासवर्ड और 11111 भी शामिल है। यह सभी पासवर्ड आसानी से हैक किए जा सकते हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसे ही कोई पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो फौरन इसे बदलें। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि रक्तदान करने से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में ब्लड डोनेट करके कितने लोगों की जान बचा सकता है तो आप का आंसर होगा 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रिसस डिजीज के इलाज में उपयोगी होते हैं और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। फैक्ट नंबर 6, लड़के लड़कियां को रिंग देकर प्रपोज करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच में भी कुछ ऐसा होता है? जी हाँ, पेंगुइन्स के बीच भी कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजाति के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनती है और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। फैक्ट नंबर 7, जब प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार अपने चरम सीमा पर थी और सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थी, तभी अचानक एक दिन बिना किसी संधि या घोषणा के युद्ध एक दिन थम सा गया। यहां तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया और फुटबॉल भी खेला, लेकिन फिर अगले दिन से ही युद्ध वापस शुरू हो गया। युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल डे था 25 दिसंबर 1914 यानी जेसस क्राइस्ट का जन्मदिन, जिसने भयंकर युद्ध के बीच भी मानव के अंदर की मानवता को जगाया और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पेश आने पर मजबूर कर दिया। फैक्ट नंबर 8, आपने पर क्या
क्या आप जानते हैं कि लूडो में जो पासा यानी डाइस होता है उसके किसी भी दो ऑपोजिट साइड का सम कितना होता है? वो होता है 7। डाइस में कुल 6 फेस होते हैं, 1 के ऑपोजिट 6 और 2 के ऑपोजिट 5 और 3 के ऑपोजिट 4। अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को ऐड करें तो सम 7 होगा। फैक्ट नंबर 10, आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं एहो बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मानना था कि फोन उठाकर एहो बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग फोन उठाकर हेलो बोले, और 1880 आते आते हेलो को एहो के मुकाबले कहीं ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फोन पर हेलो बोलने लगे। अगर वीडियो में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।